हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के शानदार 12 नाइट्स 13 डेज 7 ज्योतिर्लिंग विद शिरडी यात्रा टूर पैकेज की। दोस्तों, IRCTC एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ द्वारिका और शिरडी घूमने के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम 7 ज्योतिर्लिंग विद शिरडी यात्रा है। ये एक रेल टूर पैकेज है, यानी आप भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से पूरी यात्रा करेंगे। इस पैकेज के जरिए आपको 7 ज्योतिर्लिंगों भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ द्वारिका और शिरडी के भी दर्शन कराए जाएंगे। यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ द्वारिका और शिरडी घूमने के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक हैं, तो चलिए IRCTC के इस सस्ते शानदार टूर पैकेज की बुकिंग तुरंत कर लें। IRCTC के इस पैकेज की शुरुआत और अंत उड़ीसा राज्य के झारसुगड़ा से होगी। झारसुगड़ा तक आप जिस भी माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन से आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में बैठाया जाएगा और इसके साथ ही 12 रातें और 13 दिन वाले इस धार्मिक टूर पैकेज की शुरुआत हो जाएगी। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट IRCTCTourism.com के साथ साथ अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए 7 ज्योतिर्लिंग विद शिरडी यात्रा रेल टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत उड़ीसा राज्य के झारसुगड़ा से होगी। इस ट्रेन से यात्रा के लिए बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशन राउरकेला, रांची, मुरी, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, राजगीर, बिहार शरीफ, पटना, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी रखा गया है। ये पूरी यात्रा 12 रातें और 13 दिन यानी 12 नाइट्स 13 डेज की होगी, जिसमें आप उज्जैन में 2 नाइट और शिरडी में 1 नाइट के लिए स्टे करेंगे। इस पैकेज के माध्यम से आप उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश मंदिर, बेट द्वारिका मंदिर और नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, वेरावल के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी के साई मंदिर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और औरंगाबाद के कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकेंगे। इस पैकेज में आपको कंफर्ट यानी थर्ड क्लास AC और इकोनॉमी यानी स्लीपर क्लास कैटेगरी के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 25,000 रुपए से होगी। इस टूर पैकेज का ट्रेवलिंग मोड ट्रेन है, जिसमें आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में थर्ड क्लास AC यानी 3A और स्लीपर क्लास यानी SL कोच की सुविधा मिलेगी। यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी है। IRCTC द्वारा खाने पीने से लेकर रुकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पैकेज के तहत आपको मॉर्निंग टी और वेज खाना दिया जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शामिल है। साथ ही साथ स्थानीय जगहों पर घूमने के लिए शानदार AC या non-AC ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। ट्रेन में सफर के दौरान ऑन बोर्ड मील्स की सुविधा भी मिलेगी। कंफर्ट कैटेगरी में आपको AC बजट होटल और AC बस और वहीं इकोनॉमिक कैटेगरी में non-AC बजट होटल और non-AC बस की सुविधा मिलेगी। आप MI पर भी इस पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। ये LTC अप्रूव्ड पैकेज है। इस टूर पैकेज में टोटल यानी कुल 790 सीटें हैं, जिसमें कंफर्ट कैटेगरी की यानी थर्ड AC की 130 और इकोनॉमिक कैटेगरी यानी स्लीपर क्लास की 660 सीटें हैं। अब आपको इस टूर पैकेज की टूर आइटिनरी यानी पूरे यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा की शुरुआत झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन से होगी। यात्रा के पहले दिन आप भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में बैठेंगे और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के दूसरे दिन पूरे दिन और रात का सफर ट्रेन में ही रहेगा, यानी ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के तीसरे दिन उज्जैन पहुंचेंगे और फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे और रात्रि विश्राम उज्जैन के होटल में ही करेंगे। यात्रा के चौथे दिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे और रात्रि विश्राम उज्जैन के होटल में ही करेंगे। यात्रा के पांचवें दिन द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के छठे दिन द्वारिका पहुंचेंगे और फिर श्री द्वारिकाधीश मंदिर,
बेट द्वारिका मंदिर और नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के सातवें दिन वेरावल पहुंचेंगे और फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर साईनगर शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के आठवें दिन शिरडी पहुंचेंगे, फिर साई मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और रात्रि विश्राम शिरडी के होटल में ही करेंगे। यात्रा के नौवें दिन नासिक रोड के लिए प्रस्थान करेंगे और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के दसवें दिन नासिक पहुंचेंगे, जहां से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर पुणे के लिए प्रस्थान करेंगे और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के ग्यारहवें दिन पुणे पहुंचेंगे, जहां पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और फिर औरंगाबाद की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा के बारहवें दिन औरंगाबाद पहुंचेंगे, फिर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और फिर वापसी के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के तेरहवें दिन वापस झारसुगुड़ा पहुंचेंगे और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका धार्मिक टूर संपन्न हो जाएगा। अब आपको इस पैकेज का फेयर डिटेल से बताते हैं। टूर पैकेज का टैरिफ आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी के मुताबिक होगा। अगर आप इकोनॉमिक कैटेगरी यानी स्लीपर क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति लगभग 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। और वहीं यदि आप कंफर्ट कैटेगरी यानी थर्ड एसी क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 42,000 से 48,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। और अब आपको बताते हैं कि IRCTC टूर पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल है। इस पैकेज में आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज कैटेगरी के अनुसार आने जाने के ट्रेन के टिकट, ऑन बोर्ड कैटरिंग यानी ट्रेन में खाना, होटल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। इसके साथ साथ पैकेज कैटेगरी के अनुसार शानदार एसी या नॉन एसी बजट होटल या धर्मशाला, पूरे रास्ते गाड़ी में एसी या नॉन एसी की सुविधा, स्टेशन और होटल से पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए भी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ साथ ट्रेवल इंश्योरेंस, लोकल टूर एस्कॉर्ट्स, IRCTC टूर मैनेजर, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पार्किंग शुल्क, GST, ट्रेन सिक्योरिटी और ड्राइवर का चार्ज भी इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड्स यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। किसी भी मॉन्यूमेंट यानी स्मारकों की एंट्रेंस फीस, दर्शन के लिए आरती पासेस और स्पेशल लाइन दर्शन पासेस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज के लिए भी फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा टिप, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस भी इसमें शामिल नहीं है। यदि आप पैकेज के टूर आइटिनरी के अलावा अन्य कहीं घूमना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से ही पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं IRCTC पैकेज की कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 15 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके अमाउंट में से प्रति व्यक्ति 250 रुपए की कटौती होगी, यानी कि 250 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आप 8 से 14 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की कॉस्ट में से 25% की कटौती की जाएगी, यानी 25% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 4 से 7 दिन ऊपर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 50% की कटौती की जाएगी, यानी 50% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 4 या इससे कम दिनों में पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की कॉस्ट में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTCTourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर रीजनल और जोनल ऑफिसेस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी IRCTC के इस नए टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चेक इन करें और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।